देखेंगे। सबसे पहले उन पंक्तियों को मैं पढ़ना चाहूंगी। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा, कोमल भौरों से सुर सरगम, पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना, ओ नीलाम लगाने वाला, पल पल दाम बढ़ाने वाला, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अब इसमें जो है इन पंक्तियों में फूल ने क्या कहा है, अनुबंध का अर्थ होता है समझौता करना, प्रतिज्ञा लेना। अब यह तो इन पंक्तियों के माध्यम से फूल कहता है कि मौसम क्या है, मौसम तो आते जाते हैं, वो जैसे कि बारिश है, धूप है, सर्दी है ना, गर्मी है, ये मौसम जो है तो आने जाने वाले है, आते जाते रहते हैं, मुझे इन मौसम से कुछ लेना देना नहीं है, वह आते हैं तो आए, जाते हैं तो जाए, मुझे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वो ये कहता है कि ए देने वालों तो देते रहते हैं, और जो लेने वाले होते हैं वो ले लेते हैं और खा लेते हैं। लेकिन यह एक अच्छी बात यह है कि जो भौरे होते हैं, जो तितलियां होती है, वो फूलों के माध्यम से मंडराते हैं, यहाँ वहां बैठती है, और भोरे जो है तो वो अपनी ही धुंध में सरगम सुर देते रहते हैं। वो जो आवाज होती है भोरे की, वह एक सरगम, यहाँ पे जो है तो कवि ने हमारे सामने कहा है कि वह जो धुंध है उसको सरगम सुर कहा गया है, कि उन सुर से, उस सरगम से फूल जो है तो क्या होता है, खुश हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन जो पतझर होता है वह कहते हैं कि पतझर का रोना धोना, यानी कि जब पतझर का मौसम होता है उस मौसम में पत्ते झड़ने लगते हैं, वह पत्ते जो झड़ने वाले हैं वह रोते हैं, ऐसी कल्पना यहाँ कवि ने की है। कि यहाँ कवि ये कहते हैं कि फूल जो है यह भौरों का सुर भी सुनते हैं, और जो पेड़ रोते हैं वह भी सुन लेते हैं। और इतना ही नहीं, यह फूल कहता है कि चाहे मुझ पर रंग, जिस तरीके से पिचकारी जो है, ये पिचकारी का रंग उड़ाए जाते हैं, तो जिस तरीके से यह कब फूल कहता है कि चाहे तुम मुझ पर कितनी भी पिचकारियां उड़ा लो, या फिर तो जो पानी की कृत्रिम तरीके से जो मुझ पर पानी डाला जाता है या मारा जाता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये फूल कहता है कि यह जो पिचकारियां है, यह पिचकारी का, उस पानी का मुझ पर जादू टोना नहीं चलेगा, उसका मुझ पर कोई भी, उसका मुझ पर कुछ भी असर नहीं होगा। और वो ये कहता है कि ओ नीलामी करने वालों, मेरी बोली लगाने वालों, कि तुम पल पल पर मेरा जो है तो क्या करते हो, दाम बढ़ा देते हो, पल थोड़ी थोड़ी देर में मेरे भाव बढ़ा देते हो, और यह जो है तो यह मैंने जो अपने आप को यह समझौता में मैंने कर लिया है, और मैंने यह प्रतिज्ञा ले ली है कि तुम कितने भी भाव बढ़ाओ, कितने भी दाम बढ़ाओ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं बेचूंगा, मैं अपनी गंध कभी नहीं बेचूंगा, और मैं अपना स्वाभिमान कभी नहीं।